सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हो भाई? सब बढ़िया चल रहा होगा, चलना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, उन प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया था, एंड टॉपिक वाज कौन सा जल्दी से बताइए? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक क्या था बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और वहाँ हमने डिस्कस किया था कि एक सिंगुलर वर्ब क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका प्लूरल वर्ब क्या होता है, उसके साथ ही हमने जाना था कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, और उसी के साथ ही हमने जाना था कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू हम एक और वर्ड को डील कर चुके थे, वो क्या था? आई। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो एक बार जाके देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब एकेडमी का जो आपका चैनल है उसी पर वो वीडियो अवेलेबल होगी, ठीक है, देखिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी वीडियो का जो कंटेंट है, उसी की जो एप्लीकेशंस हैं, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या डील कर रहे हैं, थ्योरी डील कर रहे हैं। अभी जो हम डील करेंगे आज बेटा, वो हमारा क्या होगा? एप्लीकेटिव पार्ट होगा। इसका मतलब हम किसको डील करेंगे? एप्लीकेशंस को डील करेंगे, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस को समझते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे हम और उन सेंटेंसेस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, आई द प्लेंटिफ इज नॉट, आई द प्लेंटिफ इज नॉट कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सेटिस्फाइड। कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का एक और भाई है, और वो भाई कौन है? कॉम्प्लेसेंट। क्या है बेटा? कॉम्प्लेसेंट। समझ गए हम? हमारे पास तीन वर्ड्स है। कौन कौन से हैं? कंटेंट, सेकंड क्या है? सेटिस्फाइड, नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेसेंट। तीनों का जो मीनिंग है वो क्या है हमारा? सेम है, ठीक है। वर्ड्स नोट कर लिया आपने, मैं रब कर रही हूँ वर्ड्स को। हमने सेंटेंस लिखा, हमारा सेंटेंस क्या है जल्दी बोलिए? आई द प्लेंटिफ इज नॉट कंटेंट विद द वर्डिक्ट, द वर्डिक्ट provided by, provided by the Supreme Court, the Supreme Court. Done? ठीक है। इसका जो वोकैब वगैरह है, हम कंटेंट को जान चुके। कंटेंट का मतलब क्या है? सेटिस्फाइड। जैसे मान लो कोई केस वगैरह चल रहा था, उसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट, अनाउंसमेंट, ठीक है, एक डिसीजन। उसे क्या कहा जाता है? वर्डिक्ट कहा जाता है। निर्णय जिसे कहते हैं ना बेटा, वही आपका वर्डिक्ट होता है, ठीक है। उन्होंने कुछ बोला और हम उस चीज़ से क्या नहीं है बेटा? कंटेंट नहीं है, खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लेंटिफ क्या होता है? थोड़ा सा वेट करो, आई विल टेल यू, ठीक है। सेकंड सेंटेंस लिखते हैं। हमने सेकंड सेंटेंस लिखा, आरबीआई अ ब्लैंड ऑफ बैंकिंग टर्म्स एंड रेगुलेशंस। आरबीआई अ ब्लैंड ऑफ बैंकिंग टर्म्स एंड रेगुलेशंस has oblique have decided to control money flow in the market and its oblique there regulation। पूरा सेंटेंस मैं रीड आउट कर रही हूँ। सेंटेंस क्या लिखा हमने? आरबीआई अ ब्लैंड ऑफ बैंकिंग टर्म्स एंड रेगुलेशंस हैज ऑब्लिक हैव डिसाइडेड टू कंट्रोल मनी फ्लो इन द मार्केट एंड इट्स ऑब्लिक देयर रेगुलेशन। यहाँ देखो मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ हैज हैव है, यहाँ क्या है? इट्स और देयर है। यहाँ मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। अब हम थर्ड सेंटेंस लिखते हैं। हमारे दो सेंटेंस हो गए हैं बेटा, हम एक बार रिपीट करते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं दोनों सेंटेंसेस को। आई द प्लेंटिफ is not content with the verdict provided by the Supreme Court. Next हमारा क्या है बेटा? RBI a blend of, blend का अगर किसी को meaning नहीं पता है तो जानो, blend का meaning क्या होता है बेटा? Mixture। blend का meaning क्या होता है? Mixture, ठीक है। Mixture कह लीजिए, compound कह लीजिए,
जो आप कहते हैं ना वो मैथ्स में पढ़ते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, समझ गए ना हमारा मीनिंग क्या है. ब्लैंड का मतलब क्या है बेटा? मिक्सचर. ब्लैंड का मीनिंग क्या है? मिक्सचर. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. रब कर रही हूँ मैं इसे. RBI a blend of banking terms and regulations has oblique have decided to control money flow in the market and its oblique their regulation. ठीक है, थर्ड सेंटेंस लिखते हैं बेटा, ध्यान से लिखते चलिएगा. मिस्टर नरेंद्र मोदी, जानते हैं कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? कौन है बेटा? प्राइम मिनिस्टर. मिस्टर नरेंद्र मोदी head of a nation with 1.5 billion population. Mr. Narendra Modi, head of a nation with 1.5 billion population, has been to an International trip many times. यही शिकायतें हैं आप लोगों की कि ये जो मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत घूमते रहते हैं. बेटा घूमते हैं तो उसका फ़ायदा भी तो देखो, घूमते हैं तो फ़ायदा भी तो है. इट डजेंट मीन कि आई सपोर्ट हिम. ठीक है, मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है. ठीक है, चलिए. बट ये भी नहीं है कि हम उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर पा रहे हैं पूरी तरह से. ठीक है, चलो पॉलिटिकल बातें दूर रखते हैं. हम इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार क्या करते हैं बेटा? सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो. हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा? आई द प्लेंटिफ. थर्ड सेंटेंस क्या है? आरबीआई या ब्लैंड ऑफ बैंकिंग टर्म्स एंड रेगुलेशंस. थर्ड क्या है हमारा? मिस्टर नरेंद्र मोदी हेड ऑफ अ नेशन विद 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हैज ऑब्लिक हैव बीन टू एन इंटरनेशनल ट्रिप मेनी टाइम्स. ठीक है, सबसे पहला काम इन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है. क्या ढूंढना है बेटा? सब्जेक्ट ढूंढना है. ठीक है, अब आपके पास एक मिनट है. इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ढूंढिए जरा जल्दी से. एक मिनट है हमारे पास. इन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है. फिर आपको एक सेंटेंस की हेल्प से हिंट दिया जाएगा. आपको उस सेंटेंस से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी सो दैट आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए कि सेंटेंसेस में कौन सब्जेक्ट है कौन नहीं है. कोशिश कीजिए कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट कर पाएं. अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में होता क्या है कि जो सेंटेंस है वो बहुत लेंदी होता है. ठीक है, हम भूल ही जाते हैं कौन सब्जेक्ट था, कौन वर्ब था, कौन किस सब्जेक्ट की वर्ब है, किस वर्ब का कौन सब्जेक्ट है. तो मैंने आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हैं उसी फॉर्मेट में मेंटेन करने की कोशिश की है. ठीक है, हम भूल जाएंगे कि ये जो वर्ब है ये किसके लिए है, और बीच से ऊपर से बीच में क्या बना दिए जाएंगे? सेगमेंट बना दिए जाएंगे. ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है. ठीक है, और ए बी सी ये आते ही, वो जो सेगमेंटेशन है वो आते ही हमारा सीधा सीधा जो फ्लो है उस पर क्या लग जाता है? ब्रेक लग जाता है. चलिए आगे बात करते हैं इन सेंटेंसेस की. आई थिंक आप लोग फाइंड आउट कर चुके होंगे. अगर नहीं कर पाए हैं तो ध्यान से देखते चलिएगा. ठीक है, मैं बिल्कुल आसान से एक सेंटेंस लिखूंगी. यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4 कह सकते हैं इसे. हमने लिखा You, a mentor for me, has helped me a lot. क्या लिखा बेटा हमने सेंटेंस? देखिए जरा जल्दी से. You, a mentor for me. Mentor का मतलब क्या होता है? Person who is your guide. A person who is your guide. ठीक है, जो आपको help करता है. जैसे अभी देखो मैं अपने आप को कहूँ वो तो थोड़ा सा exaggeration हो जाएगा, but फिर भी हम कह सकते हैं कि उस banking के exam को लेकर मैं आपको क्या कर रही हूँ बेटा? Guide कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ? Guide कर रही हूँ. ठीक है, तो mentor उसी इंसान को कह दिया जाता है जो उसे क्या करता है? Guide करता है. ठीक है, back to the track. हमने क्या लिखा हुआ है? You, a mentor for me, has helped me a lot. ठीक है, ध्यान से समझते चलना. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? क्या सब्जेक्ट ये मेंटर है, क्या सब्जेक्ट ये मी है, या फिर सब्जेक्ट यू है? यू है.
सब्जेक्ट कौन है बेटा? यू है. मैंने इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल दिया? थोड़ा सा प्रीवियस जाइएगा. द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, हमने कैसे फाइंड आउट किया था? किसको देखकर बेटा? वर्ब को देखकर. यहाँ आ जाओ, क्या लिखा हुआ है मैंने? हेल्प. किसने हेल्प किया है? इस मेंटर ने हेल्प किया है या यू ने हेल्प किया है? किसने हेल्प किया है बेटा? यू ने हेल्प किया है. इसका मतलब इस हेल्प वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यू है, वो मेंटर नहीं है. वो कौन नहीं है बेटा? मेंटर नहीं है. अब थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना, ध्यान से. आपका ध्यान दिमाग यहाँ पे बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने क्या लिखा हुआ है? अ मेंटर. ये अ मेंटर किसके लिए है बेटा? यू के लिए. आ मेंटर किसके लिए है? यू के लिए. ये जो आ मेंटर लिख के मैं करना चाह रही हूँ, मैं इस यू की सीधा सीधा क्या बताना चाह रही हूँ बेटा? क्वालिटी बताना चाह रही हूँ. मैं यू की क्या बताना चाह रही हूँ? क्वालिटी बताना चाह रही हूँ, ठीक है? या फिर ये इस यू की डिस्क्रिप्शन है, या फिर ये जो अ मेंटर है ये इस यू की क्या है? डिस्क्रिप्शन है. अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा सोच समझ के, कॉमन सेंस लगा के, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट या उसकी डिस्क्रिप्शन? सब्जेक्ट या उसकी डिस्क्रिप्शन. ये जो मेंटर है ये तो क्या है? डिस्क्रिप्शन है ना. हमारा सब्जेक्ट कौन है? यू है. अगर सब्जेक्ट यू है तो मैं हैज नहीं लगा सकती, मुझे क्या लगाना होगा? हैव लगाना होगा. क्या लगाना होगा बेटा? हैव लगाना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. ये देखो, पहली बात तो क्या लगा हुआ है? कॉमा. इस कॉमा ने कंफर्म कर दिया कि ये जो द प्लेंटिफ लिखा है, ये द प्लेंटिफ पता है किसके लिए है? आई के लिए. ये द प्लेंटिफ किसके लिए लिखा है बेटा? आई के लिए. इसका मतलब ये जो द प्लेंटिफ है ये आई की क्या है? जल्दी बोलिए, डिस्क्रिप्शन है. आई की क्या है बेटा? डिस्क्रिप्शन है. सेंटेंस में वर्ब किसके हिसाब से आती है? डिस्क्रिप्शन या सब्जेक्ट? किसके हिसाब से? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? आई. अगर सब्जेक्ट आई है तो आई इज नॉट कंटेंट या आई एम नॉट कंटेंट क्या होगा? आई एम नॉट कंटेंट. क्या होगा बेटा? आई एम नॉट कंटेंट. बातें हमें क्लियर हो रही हैं, समझ में भी आ रही हैं बातें. हमारा क्या होगा बेटा? आई एम नॉट कंटेंट. ये जो द प्लेंटिफ लिखा गया है, ये जो अ मेंटर लिखा गया है, ये पता है क्यों लिखा गया है? कि आप इसे देखें और इससे क्या हो जाएं? कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ भाई जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा? अ मेंटर होगा. बट लेट मी टेल यू कि अ मेंटर सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट कौन था? यू. प्लेंटिफ सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट कौन है? आई. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेंटर के बारे में, यू के बारे में? यू के बारे में. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लेंटिफ के बारे में, आई के बारे में? आई के बारे में बेटा, ठीक है? आगे बढ़िए, सेकंड सेंटेंस. जैसे ही देखा बैंकिंग टर्म्स और उसके साथ में क्या देख लिया? रेगुलेशंस. भाई हम तो खुश हो गए कि ये जो नाउन है देखो कैसा है, प्लूरल है, और हमने फट से क्या लगा दिया? हैव. हम तो भूल ही गए ये जो अ ब्लैंड ऑफ बैंकिंग टर्म्स एंड रेगुलेशंस है ये किसके लिए लिखा है? आरबीआई. ये आरबीआई की क्या है बेटा? डिस्क्रिप्शन है. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या हम बैंकिंग टर्म्स की बात कर रहे हैं, रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, या आरबीआई की बात कर रहे हैं? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? RBI. So, हमारा सब्जेक्ट कौन है बेटा? RBI. अगर RBI सब्जेक्ट है तो क्या लगाऊं? Has या have? Has. क्या लगेगा? Has. हमें डिस्क्रिप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है. ये जो हमारा अ ब्लैंड ऑफ बैंकिंग टर्म्स एंड रेगुलेशंस है ये क्या है बेटा? हमारा डिस्क्रिप्शन है. और डिस्क्रिप्शन कभी सब्जेक्ट नहीं होता. सब्जेक्ट कौन है? आरबीआई. ये देखो ना, डिस्क्रिप्शन है किसकी? ये डिस्क्रिप्शन किसकी है बेटा? आरबीआई की है. थर्ड सेंटेंस में आइए जल्दी से. हमने तो पता है किसको देख लिया? 1.5 बिलियन. हम तो पास में देखते ना कौन बैठा है. 1.5 बिलियन. जैसे ही देखा 1.5 बिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो फट से हमने तो क्या लगा दिया? हैव लगा दिया. हम तो भूल ही गए कि ये जो 1.5 बिलियन है ये किसके लिए लिखा है? नेशन के लिए. किसके लिए लिखा है बेटा? नेशन के लिए. और ये जो अ नेशन विद 1.5 मिलियन बिलियन पॉपुलेशन है ये किसके लिए लिखा हुआ है? हेड के लिए. और हेड कौन है हमारे? मोदी जी. हेड कौन है बेटा हमारे? मोदी जी. अब मुझे ये बताओ, ये जो हेड लाया गया, नेशन लाया गया, 1.5 बिलियन लाया गया, ये क्यों लाया गया? इंटेंशनली टू कन्फ्यूज यू. लाया गया आपको क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए. बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास तो कॉमन सेंस है. हमें पता है कि ये इंटरनेशनल ट्रिप पे है ना, ये नेशन नहीं जा रहा,
ये 1.5 बिलियन पॉपुलेशन नहीं जा रही है बेटा, कौन जा रहे हैं हमारे, मोदी जी, कौन जा रहे हैं, मोदी जी। और अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, हम क्या लगाएंगे जल्दी बोलिए, हैज, हम क्या लगाएंगे बेटा, हैज। अब अगर आपको नोट बना के अपने कॉपी में लिखना है, कहीं भी लिखना है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ द स्टेटमेंट, हम कभी भी किससे कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, डिस्क्रिप्शन से, बिकॉज डिस्क्रिप्शन किसकी होती है, सब्जेक्ट की, और वर्ब किसके हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। डिस्क्रिप्शन बिठाया गया है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। सो डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड बाय डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। हमने चार सेंटेंसेस उठाए, उन चारों सेंटेंसेस में हमने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की बाय एडिंग डिस्क्रिप्शन टू अ स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन टू अ सब्जेक्ट, और वो डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसी रखी कि वो सब्जेक्ट के कॉन्ट्रारी थी। कॉन्ट्रारी कैसी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने डिस्क्रिप्शन कैसी रखी, प्लूरल रखी। ये जो आई है इसके साथ एम आना चाहिए, देखो मैंने कैसा रखा, सिंगुलर रखा। यू के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, मैंने क्या रखा यहाँ पे, अमेंटर रखा, ठीक है। तो मैंने कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी समझ रहे हो ना, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रारी का मतलब क्या बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। किसी ने मुझे कुछ बोला और मैंने उसके स्टेटमेंट को क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसका मतलब मैं उससे क्या कर रही हूँ, डिसएग्री कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ बेटा, डिस्कॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। वैसे डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा होता है, बट हमें ये पता चल गया कि उसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं उसे, डिसेंट कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं फिर से किसके पास चली गई थी अभी, वोकैब के पास चली गई थी, ठीक है। तो वोकैब को भूलना नहीं है, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं प्लांटिव क्या होता है, बिकॉज सेंटेंसेस तो हमने जान लिए, हमने अब तक ये नहीं जाना कि प्लांटिव क्या होता है। इसे रब करते हैं, जरा रब किया जाए इसे। What is the meaning of word plaintiff? Plaintiff क्या होता है? Who is a plaintiff? चलिए plaintiff समझते चलिए ध्यान से, plaintiff क्या होता है? हमने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है plaintiff, याद रखने का तरीका। आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, मूवी थी आपकी जॉली एलएलबी, और फिर उसके बाद एक और उसका पार्ट आया था, पहली में कौन थे आपके, अरशद वारसी थे, मूवी वॉज गुड। उसके बाद कौन आए थे आपके, अक्षय कुमार आए थे। दोनों मूवी आपकी बेस थी, उन दोनों ही लॉयर्स ने आपका जो कोर्ट था उसमें एक क्या फाइल की थी बेटा, पिटीशन। क्या फाइल की थी, पिटीशन। तो वो जो अरशद वारसी थे, जो हमारे अक्षय कुमार थे, उन दोनों ने ही उस मूवी में एक क्या फाइल की थी, पिटीशन फाइल की थी। अ पर्सन हु फाइल्स अ पिटीशन, अ पर्सन हु फाइल्स अ पिटीशन, उसे क्या कहा जाता है, प्लेंटिफ। क्या कहा जाता है बेटा, प्लेंटिफ। बात समझ में आ गई, यस और नो, ठीक है। चलिए पिटीशन फाइल करने वाले इंसान को क्या कहा जाता है बेटा, प्लेंटिफ, ठीक है। चलिए अभी हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। उस एग्जांपल से मैं आपको कई सारे वर्ड्स समझाऊंगी, उन वर्ड्स को ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से उन वर्ड्स को देखिएगा। चलिए हुआ क्या, कोई भी एक एजुकेशन हब है, एजुकेशन हब समझते हैं बेटा, एजुकेशन हब, एजुकेशन हब का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है, ठीक है। हुआ क्या, कुछ एक आपके नोटोरियस लोग थे, नोटोरियस का मतलब जानते हैं हम, नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली फेमस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिवली फेमस, डिफेम्ड, यहाँ लिख रहे हैं नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली फेमस। जैसे देखो अगर आप लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं या अर्बन बैकग्राउंड से हैं तो भी आप रिलेट कर पाएंगे। गांव में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जैसे वो चौधरी टाइप ऑफ, चौधरी टाइप ऑफ समझ रहे हैं, जिससे हर कोई सलाह मशवरा करने चला जाता है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक वो इंसान होता है जो पास से भी निकल जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, बिकॉज वो जो इंसान है वो कैसा है बेटा, नोटोरियस। देखो इसके फोनेटिक्स पे जाओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, नोटोरियस, ठीक है। उससे बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, बिकॉज वो कैसा इंसान है, नोटोरियस, नेगेटिवली फेमस। कैसे बेटा, नेगेटिवली फेमस। अब उनको भी जान लेते हैं, वो जो चौधरी जी थे, चौधरी जी का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज वेरी रिस्पेक्टेड, अ
अ पर्सन हु इज वेरी रेस्पेक्टेड, अ पर्सन हु इज रेवरेंड, अ पर्सन हु इज रेवरेंड. ठीक है, वो गांव में होता है ना एक इंसान जिसके बहुत इज्जत होती है. इस बेचारे को इज्जत नहीं है, ये कौन है, नोटोरियस है. ठीक है, कोई इससे बात भी नहीं कहता, रास्ता बदल लेते हैं लोग उसे देख के, और इससे हर कोई सलाह मांगने जाता है कि हाँ भाई क्या करे क्या ना करे. तो ये पर्सन कैसा है बेटा, रेस्पेक्टेड है. ये कैसा है, रेवरेंड है. ये कैसा है, एस्टीम्ड है. कैसा है बेटा, एस्टीम्ड है. एस्टीम्ड का मतलब भी क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसकी बहुत इज्जत है. ठीक है, उसे बहुत लोग मानते हैं. चलिए और बताइए, इसका कोई सुनाने में आपके दिमाग में आ रहा हो, वेनरेटेड. क्या बेटा, वेनरेटेड. ये सब वो लोग हैं, मैं इन्हें एक उसमें रख देती हूँ. ये जो मैंने अभी थोड़ा सा बीन शेप बनाया है, आपकी किडनी जो होती है वो कैसी होती है, बीन शेप्ड. ठीक है, चलो जीएस की बात हो गई, वापस आ जाओ. हमारे ये मैंने क्या क्या लिखा, रिस्पेक्टेड, उसके बाद रेवरेंड, ये क्या लिखा, एस्टीम्ड, उसके बाद वेनरेटेड. इन सब का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसकी सोसाइटी में, जिसकी एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, रिस्पेक्ट है. हाँ भाई, लोग उसे मानते हैं, इज्जत है उस इंसान की. ठीक है, हाँ, इसकी कोई इज्जत नहीं है. ये कौन है, नोटोरियस है. नोटोरियस का ना अगर तुम हिंदी जानते हो तो हिंदी होता है इसका कुख्यात टाइप ऑफ. कुख्यात कैसा हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव. ठीक है, चलिए वापस चलते हैं. कहाँ थे हम, एजुकेशन हब. कहाँ थे बेटा, एजुकेशन हब. एक एजुकेशन हब है, और उस एजुकेशन हब में कई सारे कैसे लोगों ने बेटा, नोटोरियस लोगों ने मिलके, कैसे लोगों ने मिलके, नोटोरियस लोगों ने मिलके क्या खोल दिए बेटा, आपके अल्कोहल की जो शॉप होती है उसे क्या कहा जाता है, ठेके, देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके, वो खोल दिए उन्होंने उस लोकेशन में. अब एक बात बताइए मुझे, क्या एजुकेशन हब एक ऐसा एरिया जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है, जो कि किससे रिलेटेड है हमारा, पढ़ाई से रिलेटेड है, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है बेटा, पढ़ाई से रिलेटेड है. अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड एरिया है तो क्या वहाँ पे अल्कोहल से रिलेटेड या अल्कोहल जैसा कुछ भी वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, सोच समझ के बताना. मैं कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ, नहीं होनी चाहिए. अब हुआ क्या, हमें थोड़ा सा दिल पे लगी ये बात कि भाई इन्होंने यहाँ पे अल्कोहल की क्यों यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, बिकॉज ये जो ये लोकेशन है ये तो किसके लिए है, पढ़ाई के लिए है ना, पढ़ाई के एरिया में ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती. तो हम गए कोर्ट में और हमने जाके एक क्या फाइल कर दी जी, क्या फाइल कर दी बेटा, जल्दी बोलो, पिटीशन. किसके अगेंस्ट, जिन्होंने ये क्या चलाई हैं, अल्कोहल की शॉप चलाई हैं. पिटीशन फाइल करके हम क्या बन गए बेटा, प्लेंटफ. पिटीशन फाइल करके हम क्या बन गए बेटा, प्लेंटफ. ध्यान से समझते जाना. ठीक है, अब हुआ क्या, हमने पिटीशन फाइल कर दी. अगर हमने पिटीशन फाइल कर दी, अब इनके पास एक क्या जाएगा, नोटिस जाएगा, जिनके अगेंस्ट हमने पिटीशन फाइल की है. चलो हम लिख देते हैं, पिटीशन फाइल की है हमने, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, वी. ठीक है, और पिटीशन फाइल किसके अगेंस्ट की है, नोटोरियस पीपल. ठीक है, इस नोटोरियस पीपल को हमने क्या बोल दिया बेटा, दे बोल दिया. क्या बोल दिया हमने, दे बोल दिया. ठीक है, इन दे के अगेंस्ट हमने पिटीशन फाइल कर दी, और पिटीशन फाइल करके हम क्या बन गए, प्लेंटिफ बन गए. अब इनके पास एक नोटिस जाएगा या नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा. और उस नोटिस को ये क्या करेंगे बेटा, जवाब देना होगा, बिकॉज हमने ऐसे इनको थोड़ी ना बात की है, हमने लीगली काम किया है. अगर लीगली काम किया है तो इन लोगों को इस पिटीशन का क्या देना होगा, जवाब देना होगा. इन्हें उस पिटीशन के लिए क्या करना होगा बेटा, रिस्पॉन्ड करना होगा. अ पर्सन हु रिस्पॉन्ड टू अ नोटिस, अ पर्सन हु रिस्पॉन्ड टू अ नोटिस, वो क्या होता है बेटा, रेस्पोंडेंट. क्या होता है, रेस्पोंडेंट. इन्होंने हम एक रिस्पॉन्स भेजा कि भाई ऐसा ऐसा, अपने जो भी इन्होंने जस्टिफाई किया उस स्टेटमेंट को, ठीक है, जो भी वो बातें थी. बट हमने क्या किया, हमने जो रिस्पोंडेंट ने हमें स्टेटमेंट भेजा ना, हम उस स्टेटमेंट से क्या नहीं हुए, खुश नहीं हुए, कंटेंट नहीं हुए, बिकॉज हमें पता है भाई कि एजुकेशन एरिया में ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे इन दो लोगों के बीच में प्रॉपर क्या चल गया है, केस चल गया है. क्या चल गया है, केस. किस किस के बीच में, इस जो पिटीशन फाइल की, पिटीशन फाइल करने वाला कौन था, प्लेंटिफ, और किसके अगेंस्ट की थी, नोटोरियस. अब आप क्या करेंगे, इनको ब्लेम करेंगे,
आप इनको क्या करेंगे बेटा? ब्लेम करेंगे. इसका मतलब आप इनको क्या कर रहे हैं बेटा? एक्यूज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक्यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये वर्ड्स हम बाद में लिखेंगे. ठीक है, अभी एक बात बताओ, अगर आपका केस चल गया है तो दो तरह के लॉयर होंगे. एक आपका क्या करेगा? इनकी बात कहेगा, और एक आपकी इनकी बात कहेगा. किसे डिफेंड किया जाएगा? प्लेंटिफ को या फिर रेस्पोंडेंट को? किसे डिफेंड करना होगा? रेस्पोंडेंट को. हम इस नोटोरियस को अब क्या करना चाह रहे हैं बेटा? डिफेंड करना चाह रहे हैं. क्या करना चाह रहे हैं? डिफेंड. एक ऐसी क्रिएचर जिसे कि डिफेंड किया जाना है, एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी अथॉरिटी जिसे कि डिफेंड किया जाना है, उसे क्या कहा जाता है? डिफेंडेंट. क्या कहते हैं बेटा? डिफेंडेंट. आई रिपीट द वर्ड्स. फर्स्ट आपका क्या था? प्लेंटिफ. सेकेंड आपका क्या था बेटा? रेस्पोंडेंट. थर्ड आपका क्या है? डिफेंडेंट. जो रिस्पॉन्स दे वो क्या है आपका? रेस्पोंडेंट. जिसे डिफेंड किया जाना है वो क्या है आपका? डिफेंडेंट. अब यहाँ पे मैं इस डिफेंड के आपको तीन चार सिनोनिम कराऊंगी. मैंने कहा डिफेंड. डिफेंड से ही आपका वर्ड क्या बना है? डिफाई. DEFY. इसी से आपका क्या बना है? प्रोटेक्ट. क्या बना है बेटा? प्रोटेक्ट. इसी से आपका क्या बना है? प्रिवेंट. क्या बना है बेटा? प्रिवेंट. इसी से आपका क्या बना है? एब्स्टेन. क्या बना है? एब्स्टेन. इसी से आपका क्या बना है? रिफ्रेन. इन सब का मीनिंग होता है किसी को किसी चीज से क्या करना? प्रोटेक्ट करना. क्या करना बेटा? प्रोटेक्ट करना. एक बार वर्ड्स को देखो, हमने क्या क्या लिखा है. फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है बेटा? डिफेंड. सेकंड क्या है? डिफाई. थर्ड क्या है हमारा? प्रिवेंट. नेक्स्ट प्रोटेक्ट. नेक्स्ट एब्स्टेन. नेक्स्ट क्या है? रिफ्रेन. इन सब का मतलब है टू प्रोटेक्ट समवन, टू प्रिवेंट समवन, टू डिफेंड समवन. ठीक है, एक और वर्ड चाहो तो लिख सकते हो. जैसे जो वायर्स होती हैं हमारी, ठीक है, कोई भी वायर है उसमें करंट के फ्लो को एक तरह से क्या करने के लिए? ब्लॉक करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? रेजिस्टेंस. तो आपका वो जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है. क्या कर रहा है बेटा? प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है. किसके फ्लो को? करंट के फ्लो को. बात समझ में आ गई? हमने ये देखो कितने वर्ड सीखे. काउंट द वर्ड्स. फर्स्ट वाज योर प्लेंटिफ. इससे पहले क्या देखा था हमने? ब्लैंड. ब्लैंड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर. प्लेंटिफ, उसके बाद बेटा रेस्पोंडेंट, उसके बाद डिफेंडेंट. डिफेंड से क्या क्या बनाया हमने? डिफेंड, डिफाई, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, एब्स्टेन, रिफ्रेन एंड रेजिस्ट. एक और बात, थोड़ा सा ग्रामर का टर्म है, यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ. जितने भी मैंने ये वर्ड, हमने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे. वर्ड्स क्या क्या है? रेजिस्ट है, डिफेंड है, डिफाई है, प्रोटेक्ट है, प्रिवेंट है, एब्स्टेन, रिफ्रेन. सबका मतलब होता है किसी चीज से अपने आप को क्या करना है बेटा? प्रोटेक्ट करना, बचाना. ठीक है, और इन सब के साथ मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन सब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है बेटा? फ्रॉम. फिक्स प्रेपोजिशन आपका प्रेपोजिशन का एक फॉर्मेट है. ये मैं आपको प्रेपोजिशन में बताऊंगी, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगी. जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है जान लीजिए. इन सब के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो कौन सी होती है बेटा? फ्रॉम. कौन सी होती है? फ्रॉम. प्रिवेंशन फ्रॉम, प्रोटेक्शन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रेजिस्ट फ्रॉम. सबके साथ जो आप प्रेपोजिशन है आपकी वो क्या होती है बेटा? फ्रॉम. ठीक है, आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन था इसमें हमने दो चीज़ें सीखी बेटा. पहली चीज़, हमने वो कैब को डील किया. एग्री? ठीक है, एग्री, डिसएग्री? एग्री. एग्री, डिसएग्री, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, एसेंट, कंसेंट, डिसेंट. ठीक है, ये हमने सब डन किया. उसके बाद हमने फिर एक प्लेंटिफ को उठाया. प्लेंटिफ से हमने फिर किसको उठाया? रेस्पोंडेंट को उठाया. देन डिफेंडेंट. देन डिफेंड से बहुत सारे वर्ड्स आए और ये जाना कि इनके साथ जो प्रेपोजिशन है वो क्या है बेटा? फ्रॉम. ठीक है, हमने जो ग्रामर का जो कंटेंट जाना, वो कंटेंट क्या था बेटा? कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे. वो डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रारी लिखा जाता है सब्जेक्ट के, सो दैट हम उससे क्या हो जाएं? कंफ्यूज हो जाएं और उसको क्या मान लें? हम अपना सब्जेक्ट मान लें. बट हमें ऐसा करना नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी सब्जेक्ट. डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव का काम करता है और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन.
क्लियर हो गई बेटा बातें? ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के सेशन में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी। आगे इन्हीं बातों को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसी में कंटिन्यू करेंगे, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही। अभी तो ये जस्ट हमारी क्या है बेटा, बिगनिंग है। आपको पता है ना कि तो सिर्फ क्या है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो आज के लिए हम डन करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गवर्नमेंट्स जॉब्स एकेडमी चैनल पता है ना आपको, उसे सब्सक्राइब करना है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिएगा। हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इंग्लिश सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए राम राम, नमस्ते एंड थैंक यू।